हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीएवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने वन लाइन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे दोस्तों, जो आपका वन लाइनर में पूछा जा सकता है और जनरली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश एक्सपोजर रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द फर्म फ्यूचर कैश फ्लो गेट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट अलॉन्ग विद द प्राइस चेंज। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें चेंजेज आए, उसमें प्राइस में चेंज आए, उसके कारण दोस्तों किसी भी फर्म का फ्यूचर कैश फ्लो यदि अफेक्ट होता है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि इस एक्सपोजर को आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस एक्सपोजर को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। सच एन एक्सपोजर आर कॉल्ड इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तीन तरह के एक्सपोजर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांजेक्शन और एक होता है दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि बेसिकली क्या क्या रोल होता है तीनों का। यू शुड नो ऑल दिस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। डैश एक्सपोजर इज अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड करेंसी फ्लक्चुएशन ऑन अ कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग। तो दोस्तों, ऐसे एक्सपोजर को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल सच एक्सपोजर एज इकोनॉमिक एक्सपोजर। ऐसे एक्सपोजर को हम लोग इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग, सच एन एक्सपोजर इज नोन एज इकोनॉमिक एक्सपोजर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया है, डैश पोजिशन इज वैन यू इंटर अ बाय और सेल ट्रेड बट हैवेंट येट रिसीव अ फाइनेंशियल रिजल्ट। आप बाय या सेल ट्रेड में इंटर कर चुके हैं लेकिन आपको एक फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, ऐसे एसेट पोजीशन को आप ओपन पोजीशन कहते हैं। यदि आपने एक एसेट को खरीदा ये एक्सपेक्ट करते हुए कि इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो आपका पोजीशन कैसा है? तो दोस्तों, आपका ओपेंड बाय पोजीशन है। ठीक है, और यदि आपने किसी करेंसी पेयर को बेचा ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो डेप्रिसिएट करेगा, तो दोस्तों आप उस केस में ओपेंड सेल पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको मैंने समझाया है अपने पार्टिकुलर लेक्चर में दोस्तों, किस टू क्लोज अ डैश ट्रेडर वुड सेल द एसेट बैक टू द मार्केट। तो दोस्तों, किस पोजीशन को क्लोज करने के लिए ट्रेडर को एसेट जो है मार्केट में वापस बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करने के लिए ट्रेडर को दोस्तों एसेट को बैक टू मार्केट सेल करना पड़ेगा। एंड टू क्लोज अ डैश द ट्रेडर वुड बाय द एसेट। तो बताइए, किस पोजीशन को क्लोज करने के लिए ट्रेडर को एसेट खरीदना पड़ेगा? तो दोस्तों, जस्ट उसका अपोजिट होगा, इसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब एकदम की पॉइंट है। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, इसे आपको पता होना चाहिए। अ डैश शॉर्ट इज वेन अ ट्रेडर सेल अ सिक्योरिटी विदाउट हैविंग अ पोजीशन ऑफ इट। तो दोस्तों, ऐसे शॉर्ट को आप लोगों का नाम दिया गया है नेकेड शॉर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओवरनाइट टेक्निकली मीन्स आफ्टर 5 PM। याद रखिएगा, ओवरनाइट का मतलब 5 बजे शाम के बाद। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ओपन पोजिशन और एक्सपोजर द बैंक कैन एक्सपोज इटसेल्फ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। ये की वर्ड है डे टाइम। ठीक है, तो दोस्तों, इसका दूसरा नाम है इस तरह के लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के लिमिट को हम लोग डे लाइट लिमिट कहते हैं। सच ए लिमिट इज कॉल्ड डे लाइट लिमिट। ठीक है, या इसका दूसरा नाम यदि हम बात करें तो दोस्तों, इसे हम डे लाइट एक्सपोजर भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट डे लाइट एक्सपोजर। डैश आर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेटिंग द बायर एंड सेलर टू ट्रांजैक्ट एट अ सेट प्राइस एंड प्री डिटरमाइंड टाइम। तो दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फॉरेक्स फ्यूचर। इट इज कॉल्ड फॉरेक्स फ्यूचर। तो ये फॉरेक्स फ्यूचर जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बायर और सेलर को ऑब्लिगेट करता है कि वो सेट प्राइस में ट्रांजैक्ट करे और प्री डिटरमाइंड टाइम में। दो मेन यूजेस क्या है फॉरेक्स फ्यूचर का? तो दोस्तों, दो मेन यूज के बारे में आपको बताऊं, तो एक तो है हेजिंग। ठीक है, हेजिंग में क्या होता है कि आप एक्सपोजर रिस्क एक्सपोजर को घटाते हो, करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो रिस्क एक्सपोजर है उसको आप घटाते हो। और दोस्तों, दूसरा है हमारा स्पेक्यूलेशन। ठीक है, तो ये दो मेन यूज है फॉरेक्स फ्यूचर का। आपको बताना है ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्राइवेट होता है और कस्टमाइजेबल एग्रीमेंट होता है, जो कि एग्रीमेंट के एंड में सेटल होता है और दोस्तों ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वी कॉल सच टाइप कॉन्ट्रैक्ट एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स होता है और उसको एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, यहाँ पे प्राइस डेली बेसिस पे सेटल होता है दोस्तों अंटिल द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को। डैश इज अ स्वैप ऑप्शन, इट इज एन ऑप्शन दैट गिव्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू गेट इनटू प्री सेट स्वैप। तो स्वैप ऑप्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, इस स्वैप ऑप्शन को स्वैप्शन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्वैप्शन। आगे देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। डैश स्वैप इज एन इंटरेस्ट रेट स्वैप इन विच द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज एक्सचेंज फॉर अ फिक्स रेट और वाइस वर्सा। तो ऐसे स्वैप को हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है जिसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को फिक्स रेट के लिए एक्सचेंज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्वैप को हम लोग वेनिला स्वैप करते हैं। द रेट एट विच कोटिंग बैंक इज रेट टू सेल द करेंसी, जिस रेट पे कोटिंग बैंक करेंसी को बेचने के लिए तैयार है उस रेट को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस रेट को कहा जाता है ऑफर रेट। एक होता है बिड रेट और एक होता है हमारा ऑफर रेट। ठीक है, बिड बाइंग रेट होता है और ऑफर रेट सेलिंग रेट होता है। इन अ डैश सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे। तो दोस्तों ये आपको पता है इससे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आपका जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सेटलमेंट जो होता है वो सेकंड वर्किंग डे होता है फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके सेकंड वर्किंग डे में आपका सेटलमेंट ऑफ फंड होगा। डैश इज अ रिस्क दैट राइजेज व्हेन पेमेंट आर नॉट एक्सचेंज साइमल्टेनियसली। यदि पेमेंट आपका साइमल्टेनियसली एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कौन सा रिस्क राइज होता है दोस्तों, तो उसी कहते हैं हम लोग सेटलमेंट रिस्क। क्या कहते हैं हम लोग इसे, सेटलमेंट रिस्क। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है BFM के बुक से वो सब के सब यहाँ पे कवर हो रहे हैं। एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलिए, क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं। सेटलमेंट रिस्क का दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा, बताइए क्या होता है। तो एक आप इसका नाम याद रखिएगा, एक कहते हैं इसको डिलीवरी रिस्क, क्या कहते हैं डिलीवरी रिस्क कहते हैं, एक दूसरा नाम इसका हार्स्टेड रिस्क। ठीक है, आप इसे डिलीवरी रिस्क कहें या इसे आप हार्स्टेड रिस्क कहें, दोनों बात बराबर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 22। डैश इज द रिस्क दैट अ काउंटर पार्टी विल डिफॉल्ट प्रायर टू द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज प्रायर टू द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो उस रिस्क का क्या नाम है जिसमें काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाएंगे एक्सपायरेशन से पहले। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्री सेटलमेंट रिस्क, दिस इज कॉल्ड प्री सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्क दैट दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अ गिवन फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटी और कमोडिटी कैन नॉट बी ट्रेडेड क्विकली इनफ इन द मार्केट विदाउट इंपैक्टिंग द मार्केट प्राइस। तो आपको एक रिस्क का नाम बताना है जिसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी हो कमोडिटी हो उसको हम लोग क्विकली ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट में बिना मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट किए। तो दोस्तों ऐसे रिस्क का नाम है लिक्विडिटी रिस्क, सच ए रिस्क इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क डैश डिनोट द रिस्क दैट अ फॉरेन गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट ऑन इट्स बॉन्ड और अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट इंक्रीजिंग ट्रांसफर रिस्क। तो दोस्तों ऐसे रिस्क का क्या नाम है, ऐसे रिस्क को हम लोग कंट्री रिस्क बोलते हैं, सच अ रिस्क इज कॉल्ड कंट्री रिस्क, जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाएगा अपने बॉन्ड पे या अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द काउंटर पार्टी इन कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि एक काउंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट करे तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है काउंटर पार्टी रिस्क। तो इसका इसके लिए नाम है काउंटर पार्टी रिस्क। एक तो काउंटर पार्टी रिस्क नाम है दोस्तों, दूसरा नाम है डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों है काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। दैट इज अ रिस्क दैट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट मे रिड्यूस और इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड यू होल्ड। तो इसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे रिस्क को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा वो आपके बॉन्ड के मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क आर ऑल्सो रेफर टू एज। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का दूसरा नाम होता है दोस्तों मार्केट रिस्क। ठीक है, ये क्या करता है, ये तब तक बढ़ता है जब तक आप उस बॉन्ड को होल्ड करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ रिस्क दैट द स्टॉक प्राइस विल फॉल ड्रामेटिकली फ्रॉम वन ट्रेड टू द नेक्स्ट। तो बताइए दोस्तों उस रिस्क को क्या कहते हैं जिसमें स्टॉक प्राइस जो है ड्रामेटिकली घटेगा फ्रॉम वन ट्रेड टू द नेक्स्ट। तो दोस्तों ऐसे रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गैप रिस्क, दिस इज कॉल्ड गैप रिस्क। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं दोस्तों, डैश इज अ रिस्क ऑफ लॉसेस कॉज्ड बाय द फ्लॉड और फेल प्रोसेस, इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेशनल रिस्क। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो जो भी फ्लॉड प्रोसेस के कारण होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश रेफर्स टू अ डैमेज और एनी लॉस इनकर्ड टू द टू अ बिजनेस ड्यू टू नेग्लिजेंस इन कंप्लायंस विद द लॉ रिलेटेड टू द प्रोसेस टू द बिजनेस। तो
तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉज है उसको यदि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण जो डैमेज या लॉस होता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है लीगल रिस्क। ये सब याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटलमेंट रिस्क किसके अब्सेंस के कारण अराइज होता है? तो दोस्तों सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है किसके अब्सेंस के कारण, तो एक सिंगल ग्लोबल क्लियरिंग हाउस नहीं होने के कारण, एक सिंगल ग्लोबल क्लियरिंग हाउस नहीं है, ठीक है, इस कारण ही सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डैश इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन एन एसेट। किसी भी एसेट के प्राइस में एडवर्स मूवमेंट हो उसको घटाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसको हेज कहा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, हेज। 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ अ साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ करेंसीज इन टू और मोर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजिंग ऑन द एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल इन वेरियस मार्केट। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं करेंसीज को दो या दो से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आप प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इसी से कहा जाता है आर्बिट्रेज, इट इज नोन एज आर्बिट्रेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डैश लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन और एक्सपोजर अ बैंक कैन कीप ओवरनाइट व्हेन द मार्केट इन इट्स टाइम पीरियड आर क्लोज। जब भी मार्केट अपने टाइम जोन में क्लोज हो जाता है तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन या एक्सपोजर बैंक रख सकती है ओवरनाइट में, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग ओवरनाइट लिमिट। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग ओवरनाइट लिमिट, वो लिमिट होता है ओपन पोजीशन का जो बैंक ओवरनाइट रख सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, डैश लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन और एक्सपोजर द बैंक एंड एक्सपोजर ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में जो लिमिट मैक्सिमम बैंक रख सकती है उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है डे लाइट लिमिट। डैश लिमिट इज द मैक्सिमम इंटर पीरियड और मंथ एक्सपोजर विच अ बैंक कैन कीप। तो इंटर पीरियड या मंथ एक्सपोजर मैक्सिमम लिमिट जो कि बैंक रख सकती है उसे गैप लिमिट कहा जाता है। डैश लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ बैंक कैन एक्सपोज इटसेल्फ टू अ पार्टिकुलर काउंटर पार्टी। एक पार्टिकुलर काउंटर पार्टी से एक बैंक अपने आप को कितना मैक्सिमम अमाउंट लिमिट एक्सपोज कर सकती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों काउंटर पार्टी लिमिट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिमिट इज द हाइएस्ट अमाउंट फॉर विच अ डील कैन बी इंटर्ड, ठीक है। तो जो हाइएस्ट अमाउंट है जिसके लिए डील इंटर्ड किया जा सकता है उस लिमिट को हम लोग डील साइज लिमिट कहते हैं, सच लिमिट इज कॉल्ड डील साइज लिमिट। और ये दोस्तों ये लिमिट को फिक्स किया जाता है ताकि ऑपरेशनल रिस्क को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। डेरिवेटिव कैन बी यूज फॉर हेजिंग पर्पज एंड ऑल्सो फॉर, तो डेरिवेटिव को हम लोग हेजिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, और दूसरा पर्पज क्या है डेरिवेटिव का, तो दोस्तों वो है हमारा स्पेक्यूलेटिव पर्पज। तो एक तो आपका हेजिंग पर्पज है, दूसरा है हमारा स्पेक्यूलेटिव पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ स्ट्रेटजी दैट ट्राई टू लिमिट रिस्क इन फाइनेंशियल एसेट। तो जो स्ट्रेटजी आपके रिस्क को लिमिट करता है बाय किसी फाइनेंशियल एसेट में, उस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को हम लोग हेजिंग कहते हैं, ठीक है। हेजिंग क्या करता है दोस्तों, आपके फाइनेंशियल एसेट के रिस्क को लिमिट करता है। डैश इज द फी चार्ज बाय द ऑप्शन राइटर इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे कहते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम वो फी होता है जो कि ऑप्शन राइटर चार्ज करता है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। डैश इज द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम ऑन एंड ऑपरेटेड बाय यूरो सिस्टम। तो यूरो सिस्टम के द्वारा जो आरटीजीएस सिस्टम खरीदा गया है और ऑपरेट किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों टारगेट टू। नाम याद रखिएगा टारगेट टू, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, डैश इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर वन यूजुअली इन अदर कंट्री। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, इट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आपको 2000 MCQ सीरीज चाहिए जिसमें आपको 2000 से ऊपर MCQs मिलेंगे अपने PFM के, तो दोस्तों ये पेड PDF है, इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे WhatsApp करें तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। दोस्तों नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में बात करते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली एक आपका कैसा वर्ड है दोस्तों, एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आवर अकाउंट विथ यू। एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है, जैसे कैनरा बैंक जो है अकाउंट सिटी बैंक के साथ मेंटेन किया है न्यूयॉर्क में। इसका मतलब होता है योर अकाउंट की तरफ से, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट। आपको पता है कि वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है योर अकाउंट की तरफ, और ये रूपी अकाउंट है दोस्तों। नॉस्ट्रो अकाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, लेकिन वॉस्ट्रो अकाउंट रूपी अकाउंट है किसी फॉरेन बैंक का भारत में, जैसे सिटी बैंक न्यूयॉर्क का SBI इंडिया के साथ। डैश अकाउंट मीन्स देयर अकाउंट विथ यू, तो इसका लोरो अकाउंट मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है लोरो अकाउंट। जैसे कोई थर्ड बैंक है उसका अकाउंट, ठीक है,
वो होता है हमारा लोरो अकाउंट। नेक्स्ट है दोस्तों चिप्स का मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो कि 12 प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक खरीदती है, जिसके किसा कॉन्सूट क्या करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो 12 प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है वो किसके अंदर आती है, न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन, क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन। चैप्स इज एन अरेंजमेंट दैट इज एग्जिस्ट, चैप्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है दोस्तों, चैप्स एग्जिस्ट करता है लंदन में। चैप्स का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, तो चैप्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सी से होता है क्लियरिंग, ठीक है, एस से होता है हाउस, ए से होता है ऑटोमेटेड, ठीक है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड, और पी से होता है दोस्तों पेमेंट, और एस से होता है दोस्तों सिस्टम, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। डैश इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट लिंक्स द कंप्यूटर ऑफ अबाउट 7000 बैंक टू द कंप्यूटर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए। तो दोस्तों आपको बताना है उस कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम बताना है जो कि 7000 बैंक के कंप्यूटर को फेडरल रिजर्व बैंक के कंप्यूटर से लिंक करता है, तो दोस्तों उसका नाम है फिड वायर, नाम याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, स्विफ्ट का मैं बता देता हूँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। स्विफ्ट दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब जहाँ इसका फाउंड कहाँ पे हुआ था, ये इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों ब्रसल्स में, कहाँ हुआ था दोस्तों ब्रसल्स में, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, तो 1973 में हुआ था। क्यों हुआ था, ताकि एक कॉमन प्रोसेस को इस्टेब्लिश कर सके और एक स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश कर सके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। डैश एलिमिनेट्स द नीड टू हैव ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांच। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांच के नीड को एलिमिनेट करने के लिए क्या कहा गया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इसलिए लाया गया ताकि जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांच के नीड है उसको एलिमिनेट किया जा सके। डैश इज अ रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम मैनेज बाय NPCI। तो NPCI IMPS को मैनेज करती है, और IMPS का फुल फॉर्म पता है आपको, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। और ये जो IMPS है दोस्तों ये 24/7 अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे। चलिए आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी, जो भी पॉइंट आपने पढ़ा है अभी तक उसको आप रिकैपिचुलेट कर पा रहे होंगे, तो यही हमारा मेन पर्पज़ है, आप रिकैपिचुलेट करते चलिए और दोस्तों बढ़ते चलिए, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते चलिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। दोस्तों यदि आप लोग मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, हमने देखा है कि AVM में जितने भी लोग हमारे मॉक टेस्ट में अपीयर हुए थे उसमें लगभग 80% लोग ने AVM के पेपर को क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, तो मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों वहीं से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि जो भी ओवरऑल सिलेबस है अपना, जहाँ से रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस कंसेप्ट को मैं अपने मॉक टेस्ट में डालता हूँ। तो यदि आप भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप करें, एक छोटा सा नॉमिनल फी है जो कि आप पे करेंगे तो आपको मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, अपने फाइनल प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल रूप देने के लिए इस मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर होइए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है पढ़ते वक्त दौरान आपसे छूट गया हो, तो प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों देखा जाता है कि जनरली लोग आपका यदि 50 क्वालिफाइंग मार्क्स है तो जनरली लोग 47-48 यहाँ पर रुक जाते हैं, ये जो 2-3 मार्क्स का गैप होता है ना, या आपका ये मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उस गैप को ब्रिज करने में। तो यदि आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। दोस्तों हम लोग शुरू कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को। दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग एज एन यूरोपियन ओरिएंटल रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंटरफेस सिस्टम। तो इसका नाम है दोस्तों RTGS प्लस, याद रखिएगा ये जो RTGS, इससे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे टारगेट टू अभी मैंने बताया था ना, टारगेट टू, फिर RTGS यूरो, ये कहाँ किस कंट्री में ऑपरेट होता है, तो याद रखिएगा यूरोपियन ओरिएंटेड है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों, डैश इज इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम फॉर सिंगल सेम डे यूरो ट्रांजेक्शन एट पैन यूरोपियन लेवल। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों,
तो इसे आपके लिए पूछा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम है सिंगल सेम डे यूरो ट्रांजेक्शन एट पैन यूरोपियन लेवल, इसका नाम है दोस्तों यूरो वन, नाम याद रखिएगा यूरो वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट ऑफ फॉरेन बैंक एज मेंटेन इन द बुक ऑफ बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड, तो कोई फॉरेन बैंक का अकाउंट है जो कि भारत के बैंकों के बुक में मेंटेन है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मिरर अकाउंट कहा जाता है, ठीक है, इसे शैडो अकाउंट भी कहा जाता है। और दोस्तों ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है जो कि एक नॉस्ट्रो अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। वाइल द फॉरेन बैंक एट द टाइम ऑफ मेकिंग परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी क्रेडिट द नॉस्ट्रो अकाउंट एंड डेबिट इट वाइल मेकिंग सेल इन द, तो ये मिरर अकाउंट होता है दोस्तों, मिरर अकाउंट या शैडो अकाउंट में उल्टा होता है, ये मैंने समझाया था अपने लेक्चर में, मैंने लेक्चर में इसको क्लियर किया है। ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेज इन स्विफ्ट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ, तो स्विफ्ट में जो फाइनेंशियल मैसेज होता है उसका ऑथेंटिकेशन किसके एक्सचेंज के बेसिस पे होता है दोस्तों, तो इसका याद रखिएगा RMA या BIC, ठीक है, इसके एक्सचेंज के बेसिस पे होता है ऑथेंटिकेशन। जो भी स्विफ्ट का फाइनेंशियल मैसेज होता है उसका ऑथेंटिकेशन RMA, ये सब डिटेल मैंने समझाया अपने वीडियो लेक्चर में, शॉर्ट आपको रिकैप्सुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। डैश इज द की एक्सचेंज एंड ऑथराइजेशन प्रोसेस बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूशन के बीच में जो की एक्सचेंज और ऑथराइजेशन प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसका नाम है RMA, ठीक है। अब आपसे पूछेगा RMA का फुल फॉर्म बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा इसका फुल फॉर्म है रिलेशनशिप, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। BIC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा दोस्तों, इसका याद रखिएगा बैंक आइडेंटिफायर कोड। BIC का दूसरा नाम क्या होता है, तो BIC का दोस्तों यदि मैं दूसरा नाम बताऊं तो आप इस बैंक BIC को स्विफ्ट कोड भी कह सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों आप इसे स्विफ्ट BIC भी कह सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो दोस्तों आप इसे स्विफ्ट ID भी कह सकते हैं, ठीक है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया आपको, आप जानते होंगे। चलिए, अ स्विफ्ट BIC कंसिस्ट ऑफ डैश कैरेक्टर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक बैंक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू मेक श्योर दैट मनी इज गोइंग टू द करेक्ट प्लेस, तो स्विफ्ट BIC में कितना कैरेक्टर होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 8 से 11 कैरेक्टर होता है। डैश अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया नेम ऑफ NRI, NRI के नाम में जो अकाउंट खुलता है भारत में उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग उसका नाम है या तो आप NRE अकाउंट कह दीजिए या NRO अकाउंट कह दीजिए। वेयर एज अ डैश अकाउंट इन द बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया नेम ऑफ एन NRI टू मैनेज द इनकम अर्न बाय इन द इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा, एक अकाउंट ये जो NRE NRO अकाउंट खुला है ये भारत में खुला है, NRI के नाम पे खुला है, लेकिन किस लिए खुला है कि उसका जो फॉरेन अर्निंग है विदेश से जो कमा रहा है उसका पैसा रखने के लिए, लेकिन आपको बताना है उस बैंक अकाउंट का नाम जो कि भारत में खुला है, NRI के नाम पे खुला है, लेकिन इसमें जो पैसा आएगा वो पैसा आएगा जो कि वो भारत में कमाया है, जिसमें चाहे रेंट हो, डिविडेंड हो, पेंशन हो, इंटरेस्ट हो। अब बताइए इस अकाउंट का नाम आप क्या कहेंगे, तो दोस्तों इस अकाउंट को आप कहेंगे NRE अकाउंट, ठीक है, NRE अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये तो NRO होगा, NRE इसमें नहीं होगा, ठीक है, हाँ दोस्तों NRE भी होता है, ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाला अकाउंट होता है, इसमें NRO होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, इसको मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेट मी क्लियर इट, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इसको कहते हैं NRE अकाउंट, दिस इज नोन एज NRE अकाउंट, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसे कहते हैं हम लोग NRE अकाउंट और दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग NRO अकाउंट। तो भारत का जो पैसा, भारत में जो पैसा उसने अर्न किया है उसके लिए जो अकाउंट खुलता है उसको NRO कहते हैं, और बाहर का जो पैसा के लिए NRE कहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है, तो आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डैश अकाउंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो किस अकाउंट को टैक्स एग्जेम्प्शन किया गया है, नाइदर द बैलेंस नॉट द इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस अकाउंट इज टैक्सेबल, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है NRE अकाउंट, द इंटरेस्ट अर्न ऑन NRO अकाउंट इज टैक्सेबल एट, तो दोस्तों टैक्सेबल एट 30% होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब द प्रिंसिपल अमाउंट इज डैश अकाउंट एंड द इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड देयर ऑन इज ओपन टू रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन का मतलब समझ में आया आपको, जिसको वापस ले जा सके हम, तो पता है किस अकाउंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है उसको आप वापस ले जा सकते हैं, तो 10 को इसका करेक्ट आंसर NRE अकाउंट में, क्योंकि इसमें पैसा जो विदेश से आया है ना, इसीलिए जो फॉरेन में अर्न किए हैं हमारे भारतीय लोग, तो वो पैसा इसमें रहता है NRI, वो इसमें रहता है, इसीलिए उसको रिपेट्रिएट कर सकते हैं,
इन केस ऑफ डैश अकाउंट द इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी रिपेट्रिएटेड, हाउएवर इन केस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट यू कैन रिमिट अप टू ओनली $1 million इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो द करेक्ट आंसर है दोस्तों एनआरओ अकाउंट। याद रखिएगा एनआरओ वाले में आप पूरा का पूरा पैसा नहीं ले जा सकते हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो तो ले जाइए, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप $1 million एक फाइनेंशियल ईयर में ही ले जा सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं ले जा सकते हैं। चलिए बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होता चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ द फंड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रीली अक्रॉस कंट्री बाय कन्वर्टिंग टू फॉरेन करेंसी। तो आप क्या कर रहे हैं कि फंड को कंट्रीज के अक्रॉस फ्रीली ट्रांसफर कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने कर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिपेट्रिएशन। यही होता है हमारा रिपेट्रिएशन। ठीक है, रिपेट्रिएशन का मतलब कि आप अपने फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रीली अक्रॉस द कंट्री। जब आप मनी अपने एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में डालते हैं या किसी दूसरे अकाउंट में डालते हैं आपके कंट्री ऑफ रेसिडेंस में, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ही कहा जाता है हमारा रिपेट्रिएशन। दिस इज कॉल्ड रिपेट्रिएशन। नो डैश डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड अंडर FCNRB। FCNRB के अंदर कैसा डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट होता है? तो दोस्तों रेकरिंग डिपॉजिट, RD नहीं होता है, केवल FD होता है। ठीक है, वो भी 1 से 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। आपको पता होगा FCNRB के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड द एक्सचेंज रेट प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट टू एलिमिनेट रिस्क टू डिपॉजिटर इन केस ऑफ। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं FCNRA। ठीक है, इन 1993 द RBI इंट्रोड्यूस डैश विदाउट एक्सचेंज रेट गारंटी। तो इसे कहते हैं FCNRB। दोस्तों अब एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर के लोग जिसका बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, तो वो कैसा अकाउंट खुलवाएंगे? वो अकाउंट खुलवाएंगे स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ठीक है, विथ ऑथराइज डीलर फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजेक्शन इन रुपीज। तो जो भी भारत में निवेश करना चाहते हैं तो वो SNRR अकाउंट खुलवाएंगे। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ठीक है, डैश इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंकर दैट इज ओपनिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ बायर एप्लीकेंट इन फेवर ऑफ सेलर। इसे कहते हैं दोस्तों LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। LC के केस में एप्लीकेंट कौन होता है बताइए? LC के केस में दोस्तों एप्लीकेंट कौन होता है? तो एप्लीकेंट दोस्तों LC के केस में यदि हम बात करें तो ओपनर या बायर होता है। ठीक है, जो LC को ओपन करेगा या जो खरीदेगा वो होता है हमारा LC का एप्लीकेंट। यदि LC के केस में पूछा जाए बेनिफिशियरी कौन है, तो बेनिफिशियरी है सेलर। ऑब्वियसली बात है, सेलर को ही बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि LC में हम लोग डॉक्यूमेंट से डील करते हैं, है ना। तो LC इज वन विच कैनॉट बी कैंसिल और अमेंडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टी। तो इस LC को क्या कहते हैं दोस्तों? इस LC को कहते हैं इररिवोकेबल LC। आपको पता होगा डैश LC इज वन विच कैन बी कैंसिल एट एनी टाइम बाय द ओपनिंग बैंक। तो दोस्तों उस LC का नाम बताना है जिसको ओपनिंग बैंक कभी भी कैंसिल कर सकती है। तो दोस्तों ऐसे LC का नाम होता है हमारा रिवोकेबल LC। नाम ही क्लियर है, इसको आप रिवोक कर सकें कभी भी, तो इसको हम लोग रिवोकेबल LC कहते हैं। सच LC इज कॉल्ड रिवोकेबल LC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश LC इज वन टू विच अ सेकेंड बैंक यूजुअली इन द एक्सपोर्टर कंट्री एट इट्स ऑन अंडरटेकिंग दैट पेमेंट विल बी मेड। तो दोस्तों ऐसे LC को क्या कहते हैं? इसमें एक सेकेंड बैंक हो जो कि एक्सपोर्टर के कंट्री का बैंक हो, अपना एक अंडरटेकिंग डालती है कि वो पेमेंट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे LC को हम लोग कहते हैं कन्फर्म्ड LC। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो कन्फर्मेशन बैंक होता है वो एक्सपोर्टर के कंट्री का बैंक होता है। नेक्स्ट है डैश LC इज अ LC दैट अलाउ द फर्स्ट बेनिफिशियरी टू ट्रांसफर सम और ऑल ऑफ द क्रेडिट टू अदर पार्टी विच क्रिएट अ सेकंड बेनिफिशियरी। तो दोस्तों ऐसे को ट्रांसफरेबल LC कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिशियरी यदि होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेबल LC। और ट्रांसफरेबल LC इज अल्टरनेटिव ऑप्शन टू। तो ट्रांसफरेबल LC किसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है? एडवांस पेमेंट का। ठीक है, एडवांस पेमेंट का ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ LC इन विच बायर कैन एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एडवांस पेमेंट टू द सेलर अगेंस्ट द सर्टेन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग रेड क्लाउज LC। ठीक है, रेड क्लाउज LC में क्या होता है कि बायर जो है एडवांस पेमेंट का फैसिलिटी सेलर को देता है। रेड क्लाउज LC का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? रेड क्लाउज LC का दूसरा नाम होता है एंटीसिपेटरी LC। ठीक है, रेड क्लाउज दूसरा नाम होता है एंटीसिपेटरी LC। नेक्स्ट है डैश क्लाउज लेटर ऑफ क्रेडिट इन एडिशन टू प्री शिपमेंट फाइनेंस स्टोरेज फैसिलिटी आर अलॉट एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट टू द एक्सपोर्टर बाय ओपनिंग बैंक। तो किस LC में आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस के अलावा स्टोरेज फैसिलिटी भी मिलता है, उसे कहते हैं ग्रीन क्लॉज LC। एक होता है रेड क्लॉज LC। रेड क्लॉज LC में क्या देखा हमने कि दोस्तों रेड क्लॉज LC में बायर जो है एडवांस पेमेंट का फैसिलिटी देता है और इसमें स्टोरेज का भी फैसिलिटी देता है। और दोस्तों इस टाइप ऑफ प्रिंटेड इन ग्रीन इंक, ऑब्वियसली बात है नाम ही है ग्रीन। स्टेयर यूजली इन अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ बैंकर एंड सेलर, जनरली अ ब्रोकर और ट्रेडर एक्ट्स इंटरमीडिएटरी। दोस्तों ऐसे LC को हम लोग बैक टू बैक LC कहते हैं। ठीक
ठीक है, दिस इज एलसी, इज कॉल्ड बैक टू बैक एलसी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, इज अ डैश दैट इज मेड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट विच इंश्योर्स पेमेंट विल बी मेड इफ देयर क्लाइंट कैन नॉट फुलफिल द पेमेंट। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं गारंटी। तो ये स्टैंडिंग लेटर, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होता है दोस्तों, ये एक तरह का गारंटी है, दिस इज अ टाइप ऑफ गारंटी। ठीक है, डैश इज वन विच प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मेड अंडर द क्रेडिट विल बी रीइंस्टेटेड आफ्टर द बिल इज पेड एंड मेड अवेलेबल टू द बेनिफिशियरी अगेन फॉर फर्दर ड्रॉइंग विद इन द करेंसी ऑफ क्रेडिट। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग एलसी एक ऐसा एलसी होता है जिसमें ड्रॉइंग का जो अमाउंट होता है जो भी क्रेडिट के अंदर किया गया है वो रीइंस्टेट हो जाएगा जब बिल पेमेंट हो जाता है। डैश इज अ इरिवोकेबल डॉक्यूमेंट गिवन फ्रॉम द बायर बैंक टू अ सप्लायर और सेलर बैंक। तो दोस्तों इस इरिवोकेबल डॉक्यूमेंट को हम लोग बीपीओ कहते हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बैंक पेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। डैश इज अ पेड व्हेन कॉल्ड ऑन व्हेन कंडीशन हैव नॉट फुलफिल, हाउएवर अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी ऑफ पेमेंट व्हेन सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल एंड डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग पार्टी। इसे इसे कहते हैं हम लोग एसबीएलसी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसका पेमेंट तब होगा जब जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अंडर डैश डॉक्यूमेंट्स आर पेबल एट द साइट अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट। इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग साइट एलसी। ठीक है, मतलब साइट तुरंत पेमेंट हो जाएगा। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन एंड पेबल आफ्टर अ पीरियड आर कॉल्ड, तो दोस्तों इसे यूजांस एलसी कहा जाता है, ये सब नाम याद रखिएगा। अंडर डैश क्रेडिट दिस यूजांस बिल आर एक्सेप्टेड अपॉन प्रेजेंटेशन एंड एवेंचुअली ऑनर्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जो यूजांस बिल है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और दोस्तों जब उसका ड्यू डेट आएगा तब उसका पेमेंट होगा, उसको ऑनरिंग मतलब पेमेंट होगा। डैश लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ यूजांस क्रेडिट वेयर पेमेंट विल बी मेड बाय द इशूइंग बैंक ऑन रेस्पेक्टिव ड्यू डेट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेशन ऑफ द क्रेडिट विदाउट द ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन इट्स वे इट इज एक्सटेंडेड पेमेंट क्रेडिट। तो दोस्तों इसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। चलिए आगे देखते हैं। द गाइडलाइन इशूड बाय आईसीसी फॉर एलसी ट्रांजेक्शन इज नोन एज यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म यहाँ रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है डैश एंड लेटर ऑफ क्रेडिट बोथ टर्म्स इन कॉमन यूजेज एंड आर साइनोनिमस, देयर नो डिस्टिंक्ट बिटवीन द टू बट आईसीसी रूल कॉमनली रेफर्स टू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बोले यानी तो एलसी बोले, दोनों चीज एक ही चीज़ है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या एलसी जो है एक ही चीज़ है। डैश इज अ पब्लिकेशन ऑफ आईसीसी, इट ऑफर क्रूशियल गाइडलाइंस ऑन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस पब्लिकेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, इस पब्लिकेशन का नाम याद रखिएगा आईएसबीपी। आईएसबीपी क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये अपना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये पब्लिकेशन है। डैश सर्टिफाइड द गुड इन अ पार्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट आर होल्ली ऑप्टेन प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर और प्रोसेस इन अ पार्टिकुलर कंट्री। तो दोस्तों इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ये क्या करता है, ये सर्टिफाई करता है कि गुड जो है एक पार्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट में वो ऑप्टेन प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हुआ है एक पार्टिकुलर कंट्री में। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्टर इनटू इंडियन रुपीज लाइबिलिटी इज कॉल्ड। यदि आप फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी किसी एक्सपोर्टर का उसे इंडियन रुपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं इसे क्या कहते हैं आप, तो दोस्तों इसे आप कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप क्या करते हैं जो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है उसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। द पर्पज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज टू ट्रांसफर डैश इन्वॉल्व इन द बिलेटेड रिसीप्ट ऑफ एक्सपोर्ट बिल पेमेंट टू एक्सपोर्टर। तो कोई लेट एक्सपोर्ट बिल पेमेंट हो रहा है तो आप क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उस रिस्क को एक्सचेंज रिस्क, कैसा रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क को आप ट्रांसफर कर देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी ड्रॉन बाय डैश ऑफ द एलसी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा ड्रॉ किया जाएगा, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी ऑफ एलसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनवॉइस इज अ डैश डॉक्यूमेंट। तो इनवॉइस जो होता है दोस्तों एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है, इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट। द इंश्योरेंस मस्ट बी ऑफ डैश ऑफ इनवॉइस वैल्यू इफ नॉट, तो इंश्योरेंस दोस्तों 110% होता है। ठीक है, आईएसपी 98 दैट इज इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिस रूल रिलेटेड टू, ये रूल किससे रिलेटेड है, ये रूल रिलेटेड है दोस्तों स्टैंड बाय एलसी से, स्टैंड बाय एलसी से रिलेटेड। दोस्तों ये था हमारा 100 क्वेश्चन का सेट, होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।